आजकल सोशल मीडिया के दौर में कब कौन खबर वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल खबरें चल रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से बच्चे गायब हो रहे हैं, कई गिरोह सक्रिय हैं। ऐसी एक रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। विभिन्न चैनल्स, न्यूज पोर्टल्स के आधार पर हमने यह रिपोर्ट तैयार की है। फरीदाबाद में स्कूल से गायब हुए 4 बच्चे, 1 सप्ताह के बाद भी नहीं लगा सुराग। ये खबर न्यूज 18 ने 9 अगस्त 2019 को प्रकाशित करी थी। पत्रिका न्यूज पोर्टल की खबर के अनुसार 3 बच्चे गायब करने के शक में भीड़ ने महिला को पीटा, फिर कई घंटे बाद आई ऐसी खबर कि हर कोई रह गया सन्न। मेरठ, बच्चा चोरी की अफवाह के बीच मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र से 3 बच्चे गायब हो गए। बच्चों के गायब होने की खबर तारापुरी में फैलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। बच्चों को तलाशने के लिए परिजनों और मोहल्ला वासियों की टोली निकल पड़ी। इसी बीच एक महिला भीड़ के हत्थे चढ़ गई, जिसे बच्चा चोर समझकर लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुश्किल से महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। भीड़ से छुड़ाने में किया लाठीचार्ज। भीड़ का आरोप था कि महिला ही 3 बच्चों को चोरी किया है। महिला को भीड़ से छुड़ाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस महिला को थाने ले गई। वहां पुलिस ने भीड़ का वीडियो भी बना ली, जिसके आधार पर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं देर शाम बच्चे सोनावाड़न से जौनपुर मदरसे से गायब हुए 3 बच्चों में से 2 मिले, तीसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक मदरसे से 3 बच्चे के गायब होने के मामला सामने आया है। हालांकि इनमें से 2 बच्चों के बारे में सूचना मिल गई को बिना किसी से बताए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे। इससे पहले बच्चों के परिजनों ने मदरसे के मौलाना के ऊपर बच्चों को चोरी का इल्जाम लगाया था। हम आपको एक दूसरी खबर के ऊपर ले चल रहे हैं। 5 सालों में दिल्ली से 41,000 बच्चे गायब, हर 8 मिनट में एक बच्चा। बच्चे माँ बाप के दिलों की धड़कन होते हैं, जरा भी आंखों से दूर हो जाते तो ऐसा लगता है कि सीने से जान निकल गई हो, लेकिन ऐसे में कोई आपके जिगर के टुकड़ों को आपसे दूर ले जाए तो। दरअसल देश में इन दिनों एक समस्या हर दिन बड़ी होती जा रही है, यह समस्या बच्चों का लापता होना। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देश में हर 8वें मिनट एक बच्चा लापता हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंतराल में 180 माओ की गोद से उनके बच्चे छीन लिए जा रहे हैं और उन्हें रोता हुआ छोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हाल बेहाल है। केवल 5 साल 2012 से 2017 के अंतराल में सुरक्षा का दम भरने वाली राष्ट्रीय राजधानी में 41,000 बच्चे गायब हो गए। कांग्रेस के नेता सुब्रमण्यम रेड्डी ने भी इस समस्या को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। बच्चों के लापता होने के कई मामले जब पुलिस ने सुलझाए तो पता चला कि इनके गायब होने के पीछे सूनी गोद रह जाना भी एक बड़ा कारण है। वजीराबाद में रहने वाली 60 साल की एक महिला मल्लिका बेगम की बेटी की गोद लंबे समय से सूनी थी, इसके चलते वह अवसाद में जी रही थी। इसको देख मल्लिका ने उसकी गोद भरने के लिए महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल से 5 दिन का नवजात बच्चा चुरा लिया। मल्लिका की बेटी उसे सऊदी अरब ले जाने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने 2 अक्टूबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने नवजात को उसके माता पिता को सौंप दिया था। MBM न्यूज पोर्टल के अनुसार आंगन से अचानक गायब हो गया 3.5 साल का मासूम। कुल्लू की सबसे बड़े संगम स्थल व बिजली महादेव की गोद में बसे जिया गांव से 3.5 वर्षीय बच्चा गायब होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। यह बच्चा शाम के समय लगभग 5 बजे घर के आंगन से लापता हो गया। बच्चे के दादा दादी भूतर बाजार की गाड़ी लेकर निकले, बच्चा उनके पीछे घर से बाहर की तरफ निकल गया। 3.5 वर्षीय ऋतिक को उसकी माँ अंजलि ने आवाज भी दी तो बच्चे ने उसका उत्तर दिया। माँ ने सोचा कि बच्चा बाहरी आंगन में खेल रहा है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब बच्चे को बाहर देखा तो बच्चा आंगन में नहीं था। बच्चे की माँ ने इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। अगली खबर आपकी है। गुना से गायब 4 बच्चे ग्वालियर ट्रेन में मिले, बोले पबजी ने दिया था टारगेट और घूमना भी था मॉल। गुना में रविवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही परिवार के नाबालिग बच्चे अचानक घर से गायब हो गए। लापता बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं, जिन्हें सोमवार सुबह ग्वालियर GRP ने ट्रेन में बरामद किया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्होंने कभी मॉल नहीं देखा था, इसलिए मॉल घूमने के लिए चले गए थे। बच्चा उठाने वाली वीडियो वायरल होने से लोगों में दहशत का माहौल। कपूरथला, सोशल मीडिया पर गत दिनों से बच्चे चोरी के गिरोह सक्रिय होने की घटनाएं वायरल हो रही हैं। इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा इस संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए। इस वीडियो को लेकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों को चिंता सता रही है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं।
स्कूली बच्चों के पेरेंट्स स्कूल प्रबंधकों को स्कूल में सुरक्षा बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा स्कूल में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि गत दिनों से पूरे पंजाब में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि प्रदेश में बच्चे उठाने का एक गिरोह आया है। यह गिरोह सदस्य गत दिन फगवाड़ा के नजदीक अकालगढ़ में एक बच्चे को बहादुरी से पकड़े हैं। फगवाड़ा नजदीक इस गिरोह के सक्रिय होने से शहर में लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं साथ साथ अफवाहों का भी बाजार गर्म है। अभिभावकों को भी चिंता होने लगी है कि वह अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें। चौंकाने वाली खबर, दिल्ली से हर दिन गायब हो रही हैं 11 लड़कियां। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पहले से ही सबसे बेकार शहर है। यहाँ दिन दहाड़े लड़कियों और महिलाओं के साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं आ सकता। TV9 भारतवर्ष के खबर के अनुसार, दुकान से सामान लेने की बच्ची हुई गायब, बच्चा चोरी की घटना को पुलिस मान रही महज अफवाह। देहरादून राज्य समीक्षा के खबर के अनुसार, देहरादून मोबाइल पर पबजी खेलते खेलते गायब हुए 5 बच्चे दिल्ली से बरामद किए गए। सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें। अगर आपके कोई या किसी पर बच्चा चोर होने का शक होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। कानून अपने हाथ में ना लें। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।